जानकारी देना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो सीबीएसई 2021 में पूछे जाएंगे। और उस टॉपिक को मैं बहुत ही डिफरेंट वे से समझाने का प्रयास करूँगा। टॉपिक का नाम होगा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। सीबीएसई बोर्ड में केमिकल रिएक्शन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है। केमिस्ट्री को समझना है तो हमें केमिकल रिएक्शन को समझना होगा, केमिकल इक्वेशन को समझना होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मैंने सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए 2021 को देखते हुए मैंने केमिकल रिएक्शन टॉपिक को आज पढ़ाना शुरू किया हूँ। केमिकल रिएक्शंस है क्या, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, उसे कैसे समझाया जा सकता है, उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि केमिकल रिएक्शन में जो होता है, बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना होता है दो एटम के बीच में, जिसके कारण एक नया सब्सटेंस का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन है। अब हम देखना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और हमें क्या पढ़ना है टेंथ में। स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हमें कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशन पढ़ने हैं, तो हमें ये दिमाग में सेट करना होगा केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस क्लास टेंथ में हमें स्टडी करना है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। कुल मिलाकर टोटल हमें 8 केमिकल इक्वेशंस की जानकारी रखनी है, केमिकल रिएक्शन की जानकारी रखनी है। उसमें सबसे पहला जो आता है वो केमिकल रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा जो है रिडॉक्स रिएक्शंस, छठा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, सेवंथ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड द लास्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कुल मिलाकर हमें 8 टाइप्स के केमिकल इक्वेशन सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने हैं। तो हम ये जानने का कोशिश करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस इन सभी में पूछे जा सकते हैं। अतः टू स्टार्ट, तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस जिसमें कि एलिमेंट्स और कंपाउंड भी हो सकते हैं कंबाइंड टू फॉर्म या कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ वाई करके। अगर एक्स एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट वाई है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये प्रोडक्ट के रूप में एक्स वाई होता है। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट, और ये दोनों हमारा रिएक्टेंट्स है। तो जब रिएक्टेंट्स जो छोटे छोटे हैं आपस में कंबाइंड हो गए हैं तो एक बड़े प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, जो हमें डेफिनेशन में पता चलता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसके लिए हम और भी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किया जाए तो वो वाटर बन जाएगा। दूसरा, अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो वो अमोनिया बन जाएगा। तीसरा, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार से एक कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ कंबाइंड करा दें तो एक नया प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिफरेंट एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब छोटे छोटे एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जुटते हैं, आपस में ऐड होते हैं, तो एक बड़ा कंपाउंड का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरे प्रकार की जो इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन है, उनका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन में इन दिस When a single reactant break down to give simple product, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से समझ सकते हैं कि एक बड़े कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस में बदल जाते हैं।
जैसे जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनका एग्जांपल हम एक्स वाई कर समझ सकते हैं। अगर एक्स वाई मेरा रिएक्टेंट है जो एक बड़ा रिएक्टेंट है, ये टूटने के बाद ब्रेक होने के बाद एक्स और वाई डिफरेंट कंपोनेंट्स में बदल जाते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। एक बड़ा रिएक्टेंट छोटे छोटे प्रोडक्ट में चेंज हो गया। इसको और भी एग्जांपल के माध्यम से समझा जा सकता है। वाटर, वाटर जो एक कंपाउंड है वो टूट करके H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए तो वो कैल्शियम ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड्स को जब हम सनलाइट में रख देते हैं तो सिल्वर एंड क्लोरीन में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। वाटर को तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हम वाटर को तोड़ सकते हैं। हीट के माध्यम से, ये हीट का सिंबल है, हीट के माध्यम से हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कर सकते हैं। और उसी प्रकार सनलाइट जो एक प्रकार का हीट ही है, उसको HCl सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमने जाना कि कैसे एक बड़े कंपोनेंट को छोटे छोटे कंपोनेंट में चेंज किया जा सकता है। उसके लिए हमें आवश्यकता होती है एनर्जी की। एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है। दैट्स ऑल। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आशीष सिंह राठौर, आप देख रहे हैं निर्मल सिन्हा चैनल। अगर आप साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो और लाइक करो। अगर कोई आपको बेसिक कुछ क्वेश्चन अगर जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आपको वहाँ पर हर कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपको यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट मिलता है। और हाँ, मेरा चैनल का नाम है ASR फ्रैंक TV। आप उसमें बेस्ट रोस्ट और फनी वीडियो देख सकते हो, उसे भी जाके आप सब्सक्राइब कर लो। आप प्लीज़ सपोर्ट मी निर्मल सिन्हा चैनल, जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।